विधायक आते हैं 5 साल में एक बार। नेता आवे और वादा करे और चले जा, हमसे वोट ले जा। और बीजेपी का कोप दिखाएंगे और वोट मांगेंगे, मान लो मतलब क्या नाम चले जाएंगे वादा करके। चुनाव चल रहा है, सभी प्रत्याशियों की वोटर्स पर नजर है, पर उनकी समस्याओं पर किसी का भी ध्यान नहीं है। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में सरवट गांव एक ऐसा गांव है जो एशिया का दूसरा बड़ा गांव कहा जाता है, जो पुरकाजी विधानसभा में लगता है। चुनाव आते हैं कभी लोकसभा का तो कभी विधानसभा का, लेकिन एशिया की दूसरी बड़ी ग्राम पंचायत की एक बड़ी आबादी तक विकास नहीं पहुंच पाता है। आखिर वजह क्या है जो इन गली मोहल्लों को बसे 40 साल हो चुके लेकिन यहाँ विकास गायब ही है। इस महामारी के दौर में ऐसी गंदगी में लोग कैसे रह रहे हैं जिससे भी किसी को कोई ख्याल नहीं है। आपको बता दें, बड़ा गांव होने के कारण इसका अलग अलग क्षेत्र बटा हुआ है, इधर कोई प्रधान बन ही नहीं पाता है तो विकास भी नहीं हो पाता। लेकिन इस बार मौजूदा प्रधान से लोगों को उम्मीद है। इस गांव की हाजीपुरा, सुभाष नगर, मदीना कॉलोनी या बस्तियां 40 साल से बसी हैं मगर विकास से अछूत हैं। विधायक सांसद चुनाव के दौरान आते हैं, फिर 5 सालों तक ध्यान नहीं देते। सरवट गांव एक ऐसा गांव है जो पुरकाजी के विधायक की जीत तय करता है। यहां की सड़कों की हालत देखिए, थोड़ी बरसात में पानी भर जाता है। 20,000 से ज्यादा वोट वाली इन बस्तियों में बसे लोगों को गंदगी से गुजरना पड़ता है। नाली दुरुस्त है, न सड़कें और न ही स्कूल व स्वास्थ्य संबंधी कोई व्यवस्था है। वोट सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर दी जाती है, बीजेपी का भय दिखाकर वोट ली जाती है। बीजेपी ना आ जाए इसलिए 40 वर्षों से बिना किसी मुद्दे को जनप्रतिनिधियों के सामने रखे यहाँ के भोले भाले लोग अपनी वोट नेताओं की झोली में डाल देते हैं। मदीना चौक से रुड़की चुंगी की तरफ जाने वाला ये रास्ता भी इसी गांव की सरहद पर पड़ता है। ये रास्ता मुख्य रास्ता है जिस पर एक शमशान घाट भी पड़ता है। सवाल यह है कि ऐसे रास्ते में जहां पानी भरा रहता हो कोई कैसे चल सकता है? जब चल ही नहीं सकता तो कोई शव लेकर शमशान घाट तक कैसे पहुंचेगा? विडंबना तो देखिए, यहाँ के लोग केवल बीजेपी को हराने की नीयत रखते हैं और इसके चक्कर में अपने मुद्दे भूल जाते हैं। इनकी वोट बहुत सस्ती है, सिर्फ भय दिखा दीजिए और वोट ले लीजिए। यही वजह है इन बस्ती तक विकास नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं जाता। इसके अलावा भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिर्फ बीजेपी को हराने का ठेका लिया जाता है, विकास के नाम पर ठेंगा दिखा दिया जाता है। मुजफ्फरनगर की यह सड़क मदीना चौक से रुड़की चुंगी की तरफ जाती है। काफ़ी सालों से इस सड़क की जो व्यवस्था है वो वैसी की वैसी ही है, कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देता है। पानी, थोड़ी बारिश होने पर ही यहाँ पर पानी भर जाता है। इसके अलावा इस सड़क से कई सारे ट्रांसफार्म इस सड़क से होकर गुजरते हैं। कई बार, एक इससे पहले भी कुछ दिन पहले की बात है, एक महिला और रिक्शा चालक घायल हुए थे। उनके हाथ भी टूट गया था, पैर भी टूट गया था। इसके बावजूद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है। ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसके बावजूद भी नेताओं की कोई नज़र इधर नहीं है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारे यहाँ जो प्रधान बनते हैं वो जिधर की तरफ, जिस साइड से प्रधान बन जाते हैं उसी साइड में अपना विकास कार्य पूरा कराते हैं। हमारा जो क्षेत्र है ये इस काबिल है नहीं कि अपना प्रधान खुद बना सकें। सबसे मेन वजह यही है हमारी कि हमारे क्षेत्र में विकास बहुत कम हो पाता है। समस्या आप देख लो, समस्या क्या है, निकलने बढ़ने का भी रास्ता बंद हो रहा जी। गर्मों में मुद्दे पड़े, इतना जल भराव पड़ा। नेता आवे और वादा करें और चले जा, हमसे वोट ले जा, कसम दसम खा के अपना जो है चले जाएँ ये लोग।
विकास कोई होता नहीं। कितने साल है बस्ती बसे हो गए होंगे करीबन कोई 40 के आसपास, लेकिन कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है, एक रुपये का भी गलत वो नहीं है। नागर 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 जी आए थे पीछे, कस्मत समय खा कर गए, आज तक तो हमने फोटो में भी अखबार में भी ना चेहरा नहीं देखा, यहाँ हम क्या देखेंगे। और बीजेपी का कोप दिखाएंगे, वोट मांगेंगे, मान लो मतलब क्या नाम चले जाएंगे वादा करके, काम नहीं करते, काम कोई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बस ये इलेक्शन के मौके पे वैसे बीजेपी यूँ कर देगी यूँ कर देगी, अब के बार बीजेपी को हराना है और यो करना है वो करना है, बेवकूफ़ बनाना है लोगों को, और बेवकूफ़ बना के लिए चले जाते हैं और क्या करते हैं ये लोग। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA न्यूज ऐप डाउनलोड कीजिए।